जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राज पुरोहित हमारे साथ हैं। और देखिए, जयपुर जिला और जयपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र पर पूरी निगरानी बनाए हुए हैं। सर, सुबह से क्या सीन चल रहा है और अब तक कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है? सुबह से आज पोलिंग में काफ़ी लोगों का अच्छा रुझान है। हर पोलिंग स्टेशन पे 7 बजे से ही लाइनें लगना शुरू हो गई थी, और पहले जो 2 घंटे के जो आंकड़े आए हैं उसमें 11% से ऊपर जयपुर में पोलिंग हो गई है। और ये अभी भी अगले जो आंकड़े 11 बजे के बाद आएंगे, 11:30 बजे तक, उसमें और अधिक की 25% के आसपास जाने की उम्मीद है। और लोग अभी भी लगातार घरों से निकल कर पोलिंग स्टेशन पर आ रहे हैं। हमने सभी मतदाताओं से अपील भी की थी और काफ़ी नवाचार भी किए गए हैं। सभी पोलिंग स्टेशन पर सेल्फी पॉइंट्स लगाए गए हैं। मतदाता, युवा मतदाता खासकर सोशल मीडिया पे उसको अगर अपलोड करके हमें टैग करेंगे तो उस जिसके ज़्यादा लाइक्स होंगे उनको प्राइजेस भी देंगे। फर्स्ट टाइम वोटर्स को सर्टिफिकेट्स भी दे रहे हैं। पहले जो सुबह वोटर्स आए थे 50 वोटर्स, उनके लिए कुछ हमने आकर्षक उपहार भी रखे थे, उससे भी काफ़ी अच्छा लोगों में रुझान रहा। सर, एक्चुअली में क्या है कि सुबह मैं भी कुछ पोलिंग बूथ पे गया था, लोगों का ये कहना था कि गिफ्ट पहुँचे नहीं है, और हमने भी तस्दीक करी तो 7:30 बजे तक लाइन में लगे रहे लोग जो वोट डाल के जा चुके थे, उन्हें गिफ्ट नहीं मिले। पोलिंग बूथ पर लगे कर्मचारियों का कहना था कि हमारे पास कोई जानकारी नहीं। देखिए, कहीं पे अगर कोई ऐसा इशू आ रहा है तो उसको हम बाद में भी दे देंगे, क्योंकि कहीं पे अगर कोई मिसप्लेस हो गया, वैसे तो मैक्सिमम जगह पहुंच गए तो वो हमारे पास रिकॉर्ड भी है, BLO के पास भी, कौन पहले आके गए, तो उनको बाद में भी दे देंगे। कंट्रोल रूम ने आप में देखा, जो कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिस तरीके संवेदनशील और अति संवेदनशील, जहाँ लाइव वेबकास्टिंग हो रही है 18 के 18 विधानसभा क्षेत्र की, वहाँ कोई समस्या ही सामने आप कंट्रोल में देख रहे हैं? जी, कंट्रोल रूम से सभी पोलिंग स्टेशन की जो वेबकास्टिंग जहाँ हो रही है, 50% से अधिक पोलिंग स्टेशन है ऐसे, वहाँ पर निगरानी कर रही हैं टीमें और सभी जगह स्मूथली चल रही है पोलिंग। और जहाँ से भी अगर कोई कंप्लेंट्स आ रही हैं तो उसमें भी वेबकास्टिंग का हमारा लाइव व्यू देख के हम उसको बता रहे हैं कि क्या स्थिति है वहाँ की। सर, मतदान के तुरंत बाद EVM संग्रहण होगा राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में, क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, राजस्थान कॉलेज में जयपुर लोकसभा क्षेत्र का होगा, कॉमर्स कॉलेज में जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र का होगा। इसके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है, टीमें वहां पर आएंगी और सुविधानुसार अपना स्ट्रांग रूम के पास जो हमारे कलेक्शन टेंट्स बने हुए हैं वहाँ पर अपना सामग्री जमा कराएगी और स्ट्रांग रूम में हम मशीनें रखवा देंगे। क्या मानना है, कब तक? लास्ट टाइम करीब 12 बजे तक EVM जमा होती रही और कर्मचारी भी काफ़ी परेशान रहे, अब इस बार कुछ नवाचार किया गया? देखिए, नवाचार हमेशा ही होते रहते हैं और काफ़ी सुविधा के अनुसार किया, पर जो दूर की कोटपुतली फुलेरा उसमें आने में ही 2.5 घंटे लग जाते हैं कहीं के दूर जगह, तो वहाँ तो टाइम लगता ही है। और जो नज़दीकी हैं शहर की, वो 10 से 11 बजे तक कंप्लीट कलेक्शन हो जाएगा। आदर्श आचार संहिता के बीच मतदान किया जा रहा है, तो आपकी कोई अपील जयपुर वासियों के लिए, ग्रामीण वासियों के लिए? ये सभी मतदाताओं से यही अपील है कि सभी अभी भी पोलिंग 6 बजे तक होनी है, अपनी सुविधानुसार जल्दी से जल्दी पोलिंग स्टेशन पे पहुँचें और अपना वोट कास्ट करें। अभी भी पोलिंग स्टेशन पे लाइन है, हमने लाइन ट्रैकिंग के लिए भी ऐप दे रखी है कि कितने लोग हैं, और 6 बजे तक जो पोलिंग स्टेशन पे पहुँच जाएगा उसकी पोलिंग हम कराएंगे, चाहे लाइन लंबी हो 6 बजे के बाद भी। तो देखिए, ये थे जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राज पुरोहित, जिन्होंने कहा कि 6 बजे भी अगर कतार लगती है और अगर 200 आदमी भी पोलिंग बूथ में है तो जब तक एक एक वोट नहीं डल जाता तब तक वोटिंग जारी रखी जाएगी। अमनदीप के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।